हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ वीवो V21 डिवाइस के अंदर आप डाटा सेवर सेटिंग कैसे करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके फ़ोन में नेट जल्दी ख़त्म हो जाता है तो आप अपने फ़ोन में डाटा सेवर सेटिंग कीजिए और उससे क्या होगा कि आपका जो डाटा है, नेट है, वो जल्दी ख़त्म नहीं होगा। आपका जो डाटा सेवर है आपके डाटा को सेव करेगा और जो फालतू के इधर उधर आपके डाटा खर्च होते हैं उनको कंज्यूम करके सेव करेगा। आपके फ़ोन में जो फालतू के डाटा खर्च होंगे उनको खर्च नहीं होने देगा। तो फ्रेंड्स, उसमें आपका जो डाटा है वो सेव होगा और आपका डाटा बचेगा, तो आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने डाटा को सेव करके अपने फ़ोन को यूज कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, आपको अपने फ़ोन में डाटा सेवर सेटिंग कैसे करना है यही मैं आपको अपने वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स, चलिए आपको सेटिंग में चलता हूँ और आपको बता देता हूँ आपको अपने फ़ोन में डाटा सेवर सेटिंग कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, आपको फर्स्ट नंबर में अपने सेटिंग को क्लिक करना है। आप जैसे सेटिंग को क्लिक करोगे सेटिंग में कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा आपको देखने को। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर मिलता है नेटवर्क एंड इंटरनेट, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे आपको कुछ इस तरह इंटरफेस आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको डाटा सेवर का ऑप्शन मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको डाटा सेवर का ऑप्शन मिल रहा है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पे डाटा सेवर का ऑप्शन दो आप देख रहे हैं नीचे आ रहा है, और यहाँ पे आपको ऑफ का सिस्टम मतलब ऑन ऑफ का सिस्टम आ रहा है, तो यहाँ से आपको इस बटन को इनेबल करना है। आप जैसे आपको इसको इनेबल करोगे आपके फ़ोन में जो डाटा सेवर है वो ऑन हो जाएगा। और इसके बाद जो आपके फ़ोन के फालतू के एप्लीकेशन है नेट को खर्च करते हैं, इसके बाद ये आपके नेट को सप्लाई नहीं करेगा। वहाँ पे जिस एप्लीकेशन को आप यूज करोगे सिर्फ उसी में आपका जो डाटा सेवर है वो नेट को खर्च करेगा। तो उससे क्या होगा कि आपके जो फालतू के एप्लीकेशन है डाटा को खर्च करते हैं, अगर वो नहीं खर्च होगा तो आपके फ़ोन में डाटा आपका बचने लगेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह आप अपने डाटा सेवर को ऑन करके अपने डाटा को बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको सेटिंग को बार बार यहाँ पे ऑन नहीं करना होगा, आप अपने कंट्रोल सेंटर से भी इसको ऑन ऑफ कर सकते हो अपने डाटा सेवर को। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ से इसको कट करेंगे और इसके बाद आप अपने कंट्रोल सेंटर को ऐसे ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपको भी डाटा सेवर को ऑप्शन मिल जाता है। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे भी डाटा सेवर को ऑप्शन मिलता है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको डाटा सेवर को ऑप्शन मिल रहा है, तो आप यहाँ से भी इसको इनेबल कर सकते हो अपने डाटा सेवर को ऑन ऑफ, यहाँ से भी कर सकते हो इसको। आप जब इसको ऑन करोगे यहाँ पे ऑन हो जाएगा, यहाँ पे इसको ऑफ करोगे यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप जब इसको ऑन कर दोगे आपका जो फ़ोन है वो किसी को डाटा भी सप्लाई नहीं करेगा। जो फालतू के एप्लीकेशन है या हॉटस्पॉट है, सब जो बहुत सारे एप्लीकेशंस भी होते हैं जो वैसे आपके डाटा को खर्च करते हैं, तो उनको यह सेव करने लगेगा। फ्रेंड्स, जब भी आपके फ़ोन में डाटा सेवर ऑन रहेगा तो आपका हॉटस्पॉट भी ऑफ रहेगा, वहाँ पे आपका हॉटस्पॉट भी ऑन नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आप जब भी अपने फ़ोन में अपने डाटा सेवर को ऑन करेंगे तो आप अपने हॉटस्पॉट को भी यूज नहीं कर पाओगे। जब आपको अपना हॉटस्पॉट यूज करना हो तो आप अपने डाटा सेवर को ऑफ करेंगे, इसके बाद ही आप अपने हॉटस्पॉट को यूज कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह आपको अपने फ़ोन में डाटा सेवर को ऑन ऑफ कर सकते हैं और अपने यहाँ नेट को यहाँ से सेव कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।